सो हेलो गाइस, स्वागत हमारी को न्यू वीडियो में। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं नाइट मूड का चीट कोड डायल करूंगा एंड चीट कोड डायल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई मेरा नाइट मूड ऑन हो चुका है और भाई नाइट मूड काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। बट यार मेरे घर में लाइट नहीं जल रही, बाकी सारे शहर में लाइट जल रही है, मेरे घर में लाइट नहीं थी। ये बहुत गलत किया है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम वालों ने। मेरे घर पे लाइट नहीं है, तुम देख सकते हो भाई मेरे घर पे सिर्फ दो जगह लाइट है, बाकी किसी की लाइट नहीं है। एंड एलिफेंट के चीट कोड के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो कि एलिफेंट तुम देख सकते हो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई फ्लाइंग बाइक के बारे में बताओ, तो फ्लाइंग बाइक के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड उसी के साथ साथ हमारा न्यू अपडेट कब आएगा, कौन से महीने में आएगा, यह भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस नाइट मूड के चीट कोड के बारे में, नाइट मूड का चीट कोड क्या होने वाला है। तो गाइस नाइट मूड का कोई चीट कोड नहीं होने वाला है, ये आप अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो। एंड या तो फिर ऑटोमेटिकली नाइट होगा, ऑटोमेटिकली दिन होगा, यानी कि इसका कोई चीट कोड नहीं आएगा, नहीं कोई ऑप्शन मिलेगा आपको, अपने आप ही रात होगी इस गेम में, अपने आप ही दिन निकलेगा। एंड उसके बाद आप लोगों को यह कमेंट आ रहा था कि क्या नाइट मूड सच में ऐड होगा। ऐड होगा नहीं गाइस, ऐड हो चुका है, बस न्यू अपडेट में आपको देखने के लिए बाकी है। जैसे ही न्यू अपडेट आएगा आपको देखने को मिल जाएगा नाइट मूड। तो गाइस ये तो कंफर्म हो चुका है कि नाइट मूड ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारी गेम में मैप को ऐड कर दिया जाएगा या फिर नहीं। गाइस मैप के बारे में अभी चर्चा चल रही है एंड मुझसे नहीं, काफ़ी सारे यूट्यूबर से भी बात की जा रही है। रोहित गेमिंग सर काफ़ी सारे यूट्यूबर से बात कर रहे हैं मैप के बारे में, और आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताना। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई एलिफेंट को हम कैसे ले सकते हैं एंड एलिफेंट को चीट कोड क्या होने वाला है, तो जल्दी बताओ। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एलिफेंट का चीट कोड क्या है। एलिफेंट का कोई चीट कोड नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस एलिफेंट का ऐड ही नहीं किया जाएगा। वैसे भी हमारे गेम में तीन तीन जानवर हो चुके हैं, पहला हॉर्स, दूसरा डॉग एंड थर्ड भाई डायनासोर, जो कि तुम्हें मालूम ही होगा, जो कि जस्सी पार्क में देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद मैं तुम्हें तीन ऐसी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ, इन्हें देख लो पहले। उसके बाद मैं तुम्हें रियल डेट बताने वाला हूँ कि न्यू अपडेट कब आएगा। तो पहली ट्रिक ये देख लो भाई, मैं स्टिकी बॉम्ब फेंकते फेंकते ट्रेन के अंदर घुस गया। एंड आप स्टिकी बॉम्ब फेंकते फेंकते किसी भी डब्बे के अंदर जा सकते हो, जैसे कि मैं आ गया अब, एंड नेक्स्ट डब्बे के अंदर भी जा सकते हो। अभी मैं बाहर निकल के इनको ब्लास्ट करने वाला हूँ, तो सारे सारे स्टिकी बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे भाई। ये थी बहुत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रिक। एंड आप स्टिकी बॉम्ब फेंकते फेंकते किसी भी डिब्बे या किसी भी घर के अंदर जा सकते हो। और मैं सेकंड ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे आपको 400 डायल करके बाइक मंगा लेनी है, कावासाकी Z100। जैसे आप 400 डायल करोगे कावासाकी Z100 बाइक आ जाएगी। एंड उसके बाद आपको बाइक के पास आना है, बाइक के पास आने के बाद आपको एक चीट कोड डायल करना है, जो कि 1120 होने वाला है। 1120 डायल करने के बाद आप एक जंप वाला ऑप्शन आएगा, एंड जैसे आप बाइक पर बैठने की कोशिश करोगे और आप उछल के भाई देखो बाइक के ऊपर गिर जाओगे एंड आप खड़े होकर बाइक को ड्राइव कर सकोगे, है ना कमाल की ट्रिक। चलो सेकंड ट्रिक बता देता हूँ, सेकंड ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक चीट कोड डायल करना है। तो ये चीट कोड कौन सा है तुम कमेंट में जो बताना। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक चीट कोड डायल किया, ये कौन सा चीट कोड है, इससे क्या आएगा भाई, इस गाड़ी का नाम क्या है, ये भी कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पे अपनी रेड कलर की गाड़ी आ चुकी है एंड इसका नाम मैं नहीं बताने वाला, मुझे तो मालूम है बट तुम्हें बताना होगा इस गाड़ी का नाम क्या है। एंड आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको एक साथ फायर बटन पे क्लिक करना है एंड कार बटन पे क्लिक करना है, आपको कार के अंदर बैठना है एंड गन भी चलाना है। तो जैसे आप कार से बाहर निकलोगे वापस आपको गन ले लेना है, एंड जैसे आप फायर बटन पे क्लिक करोगे गन के फायर बटन पे, तो ये ऑटोमेटिकली फायर होता रहेगा, आपको दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है एंड ऑटोमेटिकली आपकी गन चलती रहेगी। एंड सेकंड ट्रिक गाइस, बहुत सारे भाई पूछते हैं भाई आप एरोप्लेन पे बड़ी आसानी से कैसे चढ़ जाते हो, चलो मैं बता देता हूँ आप एरोप्लेन पे कैसे चढ़ जाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं एरोप्लेन के पास आ चुका हूँ एंड आपको सिंपल से एक चीट कोड डायल करना होगा, जिस चीट कोड का नाम है भाई हाई जंप चीट कोड। एंड इससे आप हाई जंप लगा सकते हो, 12-15 डायल करना है, इसके बाद आप हाई जंप चीट कोड डायल करके जंप लगा के एरोप्लेन पे बड़ी आसानी से चढ़ पाओगे। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो मैं एरोप्लेन पे बड़ी आसानी से चढ़ चुका हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं गाइस न्यू अपडेट कब देखने को मिलेगा और कब आने वाला है हमारी गेम का न्यू अपडेट। तो गाइस ये कंफर्म हो चुका है कि हमारी गेम का न्यू अपडेट 2 महीने बाद आने वाला है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं, ये तो आपको भी मालूम होगा कि हमारे न्यू अपडेट में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अगर ज़्यादा चीज़ें ऐड होती है तो 3 महीने लग जाते हैं, वरना नहीं तो हमारा न्यू अपडेट 2 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। तो फाइनली गाइस आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अब बुरा मत मानना भाई, ये मत सोचना कि भाई आपने डेट तो बताई नहीं, भाई डेट का तो कोई पता नहीं है कि रोहित गेमिंग सर 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं, 1-2 दिन जल्दी भी डाल देते हैं, इसलिए कोई फिक्स डेट नहीं है। एंड महीना पता है अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में आपको न्यू अपडेट देखने को मिल सकता है। अगर ज़्यादा चीज़ें ऐड होंगी, अगर आप मैप की डिमांड करोगे, एलिफेंट की डिमांड करोगे और फायर वाली उड़ने वाली बाइक की डिमांड करोगे, तो गाइस न्यू अपडेट लेट भी हो सकता है एंड 3 महीने भी लग सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।